नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन रिस्क एनालिसिस यानी कि रिस्क एनालिसिस कैसे किया जाता है उसी के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाला हूं सब्जेक्ट कोड है टू जीरो वन हज आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है एक्सप्लेन रिस्क एनालिसिस इट मीन्स टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेजार अकरिंग एंड देन एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस और इफेक्ट एंड इट्स सीवियरिटी the development of quantitative estimate of risk based on engineering evaluation and mathematical techniques for combining estimate of incident consequences of and frequencies the technical process of identifying understanding and evaluating risk analyzing cause and effect wise this is also quantitative as it depends on failure rates नंबर ऑफ चांसेस ऑफ साइकल्स और साइकल्स एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी कि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटेटिव में जितना क्वांटिटेटिव रहेगा वहाँ पे ऑपरेशन में भी मल्टीपरपज साइकल्स रहेगा वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है जितना साइकल बढ़ेगा इतना रिस्क बढ़ेगा और इतना फेल्यूर रेट भी बढ़ने का चांसिस रहता है दिस स्टेप इज नोन एज रिस एनालिसिस x for example estimation estimation of probability of or frequency of possible explosion and its effect on person and proper property in terms of death injuries house breakages etc is called a risk analysis risk is a expressed as product of frequency of an event and द मैग्निट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस दैट रिजल्ट इन द इवेंट अकर्स वॉइस वर्ज आर सिवियरिटी नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड प्रोबिलिटी यानी कि आर इज इकल टू आपको रिस्क निकालना है तो आर इज इक्ल टू एफ इंटू एस इंटू एन इंटू पी तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप रिस्क को निकाल सकते हैं रिस एनालिसिस हैज टू बी डन एट वेरियस स्टेजिज लाइक ए प्री डिजाइन डिजाइन पर मॉडिफिकेशन यानी कि आप डिजाइन जब प्लांट को कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये एनालिसिस होना चाहिए डिजाइन में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसी वक्त आप कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शंस कमिश्निंग ऑपरेशन डीकमिशनिंग कैरिंग आउट रिस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी कि रिस एनालिसिस जो है वो पार्ट ऑफ स्टेची रिक्वायरमेंट भी रहता है थैंक यू दोस्तों